बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो नए हजरात हैं वो कहानी चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी दबाएँ ताकि आपको हमारे आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारे बाय कॉल से मुस्तफ़ीद हो सकें। इसके साथ अगर आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करवाना है तो इसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं, और अगर आपने हमारे प्रीमियम सर्विस को ज्वाइन करना है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं, आपको मुकम्मल तफसीलात फराहम कर दी जाएंगी। जी, तो अगली जो बाय कॉल है उसको आप जो है डे ट्रेड के हवाले से भी यूज़ कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी और इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी आप इसको ले सकते हैं। स्टॉक का नाम है ऑयल गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, और ऑयल गैस इस वक्त जो है 96.46 पे क्लोज हुई है, -1.35 है। लास्ट वीक ऑल ओवर वीक भी था तो मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर जो है हमें देखने को मिला एट द एंड ऑफ द, जब मार्केट क्लोजिंग होने के करीब करीब थी, और इसमें वॉल्यूम भी अच्छे जनरेट होते हैं, और इसका जो हाई है वो 111.50 है। अच्छा, जो ईयर का लो है वो 70 के आसपास है, और डिविडेंड पे आउट देने वाला स्टॉक है। अगर आप इसकी हिस्ट्री भी चेक करें तो अभी भी इसने तकरीबन 7.5 रुपये का, सॉरी 3.5 रुपये का जो है डिविडेंड अनाउंस किया, और अर्निंग जो है इसकी इंक्रीज हो रही है, ग्रोन अप कंपनी है, और इसको आप देखें 18% ने पहले भी दिया, और सितंबर 28 को तकरीबन जो है 27.50, तकरीबन 2 रुपये 75 पैसे -0.75 रुपये बनता है ये, और इसके पहले भी रहते सर ऐसा कोडक के हवाले से भी न्यूज में रहता है, और रिकोडक जो मनसूबा है उसका भी बेनिफिशरी है, गैस प्राइस इंक्रीज होने का भी इनको बेनिफिशरी है, और आगे IMF से डील होगी तो लालची सर को डेक के हवाले से दोबारा न्यूज चलेंगी तो फिर ये आपको अच्छी मूव यहाँ से दे सकता है। इसकी टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल जो है 93.50 का जो लेवल बनता है यहाँ पे लाजमी आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। 93.50 और 89 का जो लेवल है दरमियान जो 5 रुपये का गैप निकलता है यहाँ पे आप इसकी इनिशियल बाइंग आप कर सकते हैं या 2 टाइम कर सकते हैं। अगर आपने 93 पे 500 शेयर लिए हैं तो 89 और 90 से बिलो 89 के दरमियान जो आप इसके 532 शेयर भी आप ले सकते हैं। उसके बाद 87.25 का जो लेवल बनता है ये इसने बार बार सपोर्ट भी यहाँ से ली है, और जुलाई के बाद यहाँ से जो है इसने ब्रेकआउट भी अभी तक इसका इससे नीचे नहीं दिया, और इसका जो है अगर आप 25 जुलाई को देखें तो यहाँ से इसने सडनली मूव दिया था, उसके बाद ये कंसोलिडेशन फेज के अंदर मौजूद था, और जब इसने इस लेवल को ब्रेक किया तो ये जो है ऊपर निकल गया, और अब जो नेक्स्ट लेवल है यहाँ पे ये ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अंदर ट्रेडिंग होती रहेगी और इसको लाजमी जो है बाय करें, कॉन्फिडेंस के साथ बाय करें, डिविड पे आउट देने वाला स्टॉक है। तमाम रीजन मैंने आपके सामने इसके यहाँ पे लिख दिए हैं कि आप इसको, इसका जो इम्पैक्ट है इंटरेस्ट से कोई इम्पैक्ट इसको नहीं पड़ता, और पे आउट देने वाला स्टॉक है, एक स्ट्रॉन्ग शेयर है, बेनिफिशरी है, सिक्योर डेप का बेनिफिशरी है गैस प्राइस इंक्रीज होने का, और अभी रिसेंटली इसने 2.75 का डिविडेंड दिया है, एक्स डेट 18 अक्टूबर है, रेकोटेक का भी है, और अर्निंग भी इसकी जो है वो ग्रोन हो रही है, अर्निंग में इजाफा हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, तो इसको इन लेवल के ऊपर अगर आपको मिलता है 93.50 93 के करीब करीब तो लाजमी वहां पे आप इसको बाय करिए, आपको ट्रेडिंग भी करवाता रहेगा। और इसके जो फिलहाल रेजिस्टेंस है ये 96.83 है, तकरीबन 97 के आसपास क्लोज होने में कामयाब होता है 97 से अबव तो फिर ये आपको इंशाल्लाह जो है ये 102 का जो लेवल है यहाँ तो जाता हुआ दिखाई देगा, और 102 के अब क्लोजिंग होने में कामयाब होता है, फिर 100 से ऊपर क्लोजिंग जब भी ये देने में कामयाब होगा तो फिर ये आपको 108 का जो लेवल है यहाँ पे, और 111 जितने रिसेंटली हाई लगा था 111 से 150 वहाँ तक जाता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह आप इसको बॉटम पे 92 93 की रेंज के अंदर बाय करें, ये इजिली 97 96 पे जो है वो सेल होता है, हाफ क्वांटिटी बाय करें हाफ क्वांटिटी सेल करें, और यानी कुछ शेयर आप लाजमी इसके अंदर जो है अपने पोर्टफोलियो में रखें ऐसे शेयर्स को, ये वो शेयर जो आपको टेंशन जो है नहीं देंगे, अगर आप इसके अंदर स्टक भी हो जाते हैं तो आपको पे आउट देता है, और अगर बॉटम पे मिलते हैं तो वहाँ एवरेज भी कर सकते हैं, और एवरेज के बाद आप इससे निकल भी सकते हैं, तो इसके अंदर जो है वो ट्रेडिंग लगी रहती है, अच्छा स्टॉक है, और देखिए इसके अंदर वॉल्यूम जनरेट होते हैं, वॉल्यूम जनरेट हो जाते हैं, वॉल्यूम एक अच्छे वॉल्यूम के साथ जब एक शेयर चल रहा होता है
तो उसको जो है सेल करने में जो है वो आसानी हो जाती है। वो मार्केट डल हो जाए, शेयर भी डल हो जाते हैं, वॉल्यूम भी ना हो, तो फिर आप उसके अंदर जो है वो एग्जिट ले सकते हैं। जब तक तो वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं और लिक्विड्स के अंदर मौजूद है और अर्निंग भी अच्छी हो रही है, कोई मसला नहीं है शेयर के अंदर, या आपको अपसाइड पे जो है वो सेल भी आप कर सकते हैं और बॉटम पे आप इसको बाय भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो है सिर्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। अगर आप ये समझते हैं कि यहाँ पे एक हाई साइड है और आपके जहन के अंदर वही लेवल है उसके लोग हैं, तो वो देखें, वो डिफॉल्ट की न्यूज़ के ऊपर काफ़ी शेयर डाउन किए थे, पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से जो खतरा थे, खदशात थे, अभी वो चीज़ें तकरीबन जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो इन लेवल को 88 तक आ सकता है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और 91-92 तक आ सकता है, तो वहाँ पर लाजमी इसको आप बाय करें। तो ये शेयर है, इसको आप डे ट्रेडिंग के हवाले से, स्विंग ट्रेड के हवाले से भी ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी आप इसको ले सकते हैं, इस तरह चाहें आप इस शेयर को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद में वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसके साथ अगर आपने पाकिस्तान तो ऐसे में अकाउंट नंबर का हमारा उसके भी रब्ता कर सकते हैं, अगर आपने हमारे प्रीमियम सर्विस को ज्वाइन करना है तो उसके हवाले से भी दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।